आया है आनंद सागर से ज्वार लिए तूफान, संभल कर बैठ जा खेता जा अम्लान, जो कुछ भी है भार उठाए, नैया दुख की पार लगाए, चला चल तरंगों पर चाहे चले जाए प्राण। आया है आनंद सागर से ज्वार लिए तूफान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की इस कविता में यह हमें संदेश दिया है कि संघर्षों को विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे जारी रखा जाए और अपने आत्मबल को कैसे बनाकर रखा जाए। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की व्यवस्था को प्रभावित किया है, जीवन के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हो गए हैं और कोरोना महामारी के कारण हम सभी लोगों का सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है। अध्ययन और अध्यापन की पूरी परंपरागत व्यवस्था ही ठप्प हो गई है। ऐसी स्थिति में तकनीकी पुनः एक बार हम सभी लोगों को जोड़ने का माध्यम बनी है। पिछले 15 वर्षों से मैं कहता रहा हूँ कि मानवता के 3 बड़े आविष्कार हैं: आग का आविष्कार या आग की खोज, पहिए का आविष्कार और इंटरनेट का आविष्कार। आग के आविष्कार ने आदिमानव को मानव बनाया और पहिए के आविष्कार ने मानव को सामाजिक मानव बनाया और इंटरनेट के आविष्कार ने मानव को वैश्विक मानव बनाया। आज यही इंटरनेट पुनः हम सभी लोगों के संबंधों को पिरोने का एक माध्यम बना है और इसने पूरी दुनिया को एक साथ लाने का काम किया है। के माध्यम से जुड़ करके नव सृजन के लिए नई पहल की जाए। आइए साथ जुड़े, साथ चले और साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और जीवन को नई दिशा दें।